अरे योगी जी, आपके सामने भी केशव चंद्र मौर्य था, आपने चंद्रगुप्त मौर्य की तरह उसको क्यों नहीं सत्ता पे बिठा दिया? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप चाणक्य होने का ढोंग कर रहे हैं, ऐसे दौर में जब नकली भोगी योगी बनकर के आपके सामने खड़ा है, तब आपको संन्यास पे सवाल खड़ा करना पड़ेगा। एक कहानी आप लोग सुने होंगे कि राजा नंद ने चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य ने तय किया कि हम इसको राजगद्दी से उतारेंगे, लेकिन चाणक्य के मन में यह भावना नहीं थी कि हम खुद ही राजगद्दी पर बैठ जाएंगे। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो राजगद्दी पे शामिल हुए। एक हमारे योगी जी हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं, भगवा रंग का इतिहास आरएसएस के जन्म के इतिहास से कई हजार साल पुराना है। आरएसएस 1925 में बना है। महात्मा बुद्ध का जो छीवर था उसका रंग भगवा था। साहू जी महाराज एंटी का, संभाजी महाराज एंटी कास्ट मूवमेंट जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ उनका रंग भगवा था। अन्ना भाऊ साठे के द्वारा जो आंदोलन चलता था उसका रंग भगवा था। शिवाजी महाराज का रंग भगवा था। इस देश के अंदर त्याग का रंग भगवा रहा है और आज भोग का रंग भगवा बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें यह देखिए कि योगी जी उत्तराखंड से लखनऊ आते हैं सीएम बन करके, उससे पहले अपना पड़ाव डालते हैं वो गोरखपुर में। और ये नए जमाने के योगी हैं जो कह रहे हैं कि सन्यासियों को भी शस्त्र उठाना पड़ेगा। जब राज सत्ता अपने राज धर्म को सही तरीके से नहीं निभाएगी तो सन्यासियों को भी गद्दी पर बैठना पड़ेगा। अरे योगी जी, आपके सामने भी केशव चंद्र मौर्य था, आपने चंद्रगुप्त मौर्य की तरह उसको क्यों नहीं सत्ता पे बिठा दिया? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप चाणक्य होने का ढोंग कर रहे हैं, आप सन्यास धर्म की परंपरा को बदनाम कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म के रंगों और प्रतीकों को जनता के मन में खौफ के तरीके से उनके दिमाग में डालने की कोशिश